अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जंगल की हिरनी। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी, उसके दो बच्चे थे। एक बार वो बाहर निकली तो किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। बेखबर हिरनी उस जाल में फंस गई। जब उसने देखा मैं तो फंस गई हूँ, तो बड़ी परेशान हुई। उसकी खुशकिस्मती देखिए, उसी जंगल में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम तशरीफ लाते हुए उसे नजर आए। जब उसने हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम को देखा तो पुकारी, या रसूल अल्लाह, मुझ पर रहम फरमाइए। हुजूर ने उसकी पुकार सुनी और उसके पास तशरीफ लाकर फरमाया, क्या हाजत है? वो बोली, हुजूर, मैं इस अरबी के जाल में फंस गई हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस करीब के पहाड़ में है। थोड़ी देर के लिए आप मेरी जमानत देकर इस जाल से मुझे आजाद करा दीजिए, ताकि मैं आखिरी बार एक मर्तबा बच्चों को दूध पिला आऊं। हुजूर, मैं दूध पिलाकर फिर यहीं वापस आ जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया, अच्छा जा, मैं तुम्हारी जमानत देता हूँ और तुम्हारी जगह यहीं ठहरता हूँ। तू बच्चों को दूध पिलाकर जल्दी वापस आ जा। चुनांचे हिरनी को आपने रिहा कर दिया और वहाँ खुद कयाम फरमा हो गए। और अभी जो मुसलमान न था कहने लगा, अगर मेरा शिकार वापस न आया तो अच्छा ना होगा। हुजूर ने फरमाया, तुम देखो तो सही हिरनी वापस आती है या नहीं। चुनांचे हिरनी बच्चों के पास पहुँची और बच्चों को दूध पिलाकर फौरन वापस लौटी। आते ही हुजूर के कदमों में गिर गई। ये एजाज देखकर वो अरबी कदमों में गिर गया। झुक गए सर हिरनी व काफिर के दोनों साथ साथ। मुस्तफा ने उनके सर पर रख दिया रहमत का हाथ। फिर बशारत उसको और उसको मिली सरकार से, जाल से आजाद तू और तू अजाबे नार से। नाज़रीन, इससे सबक हमें ये मिलता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जानवरों तक के लिए रहमत हैं। जानवर भी हुजूर के हुक्म की तामील करते हैं। फिर जो इंसान होकर हुजूर का हुक्म ना माने वो जानवरों से भी गया गुजरा है या नहीं। नाज़रीन, आप लोग ये कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हम अच्छे अच्छे पोस्ट डालते रहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।